अनमोल पांडे और आप देख रहे हैं आर्टिफिशियल ज्ञान और आप लोगों का स्वागत है आर्टिफिशियल ज्ञान में। और आज की वीडियो हम बेसिकली बना रहे हैं अपने सब्सक्राइबर के क्वेश्चन के ऊपर। हमने जो वीडियो बनाई थी कल कि वाईफाई जो कॉलिंग होती है वो कैसे काम करती है और वो क्या होती है, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जाके वीडियो चेकआउट कीजिए, पूरा वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी आज हम बात करने वाले हैं इसी रिलेटेड कि जो डोंगल होता है और ब्रॉडबैंड होता है तो कौन सा अच्छा होता है और कौन सा लगवाना चाहिए या कौन सा लेना चाहिए, इस चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करते हैं डोंगल क्या होता है। बेसिकली डोंगल ये होता है, देख पा रहे होंगे आप, इसे हम दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं नेट सेटर। इसमें हमारी जो है वो सिम लगती है, ये देखिए सिम लगी हुई है, ऐसी सिम लगती है इसमें, और इसको हम लगा लेते हैं अपने पीसी में या फिर अपने लैपटॉप में। एक तरीके से ये हो गया हमारा सिंपल मॉडम, मॉडम ही कहते हैं इसे हम। तो ये है मेरे पास 3G, ये 4G भी आते हैं, लेकिन बात करते हैं इनमें और ब्रॉडबैंड में फर्क क्या है। जो ब्रॉडबैंड होते हैं और ये होते हैं बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे कि इसके एडवांटेज, आप इसे जब चाहे तब अपने साथ कैरी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास 4G है, आपने अपनी सिम निकाली, अपने इसमें लगाया, लैपटॉप में लगाया, आप जब चाहे जहाँ चाहे वहाँ एक्सेस कर पाएंगे इसे और इससे इंटरनेट को। बाकी अगर बात करें इसके स्पीड की, तो थोड़ी बहुत इसमें स्पीड जो है मैक्सिमम 7 point कुछ MB होती है, उससे ऊपर मैक्सिमम 11 MB होती है, उससे ऊपर नहीं आती इसकी स्पीड। 3G वाले की 7 point कुछ MB होती है और 4G की 11.5 कुछ MB इसकी स्पीड होती है। और इसके डिसएडवांटेज भी है, जैसे कि मान लीजिए आप इसे लगा रहे हो तो स्पीड आपको जितनी आनी चाहिए सेट में उतनी नहीं आएगी, क्योंकि ये मॉडम है। और जो है ब्रॉडबैंड क्या होता है, ब्रॉडबैंड में आपकी कुछ प्रकार के होते हैं, जैसे कि एक होती है जो आज भी चलते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल वाले, और जो पहले चलते थे वो होते थे AUX केबल वाले, या फिर जो सिंपल आपकी चलती है उस केबल में आते थे, टेलीफोन वाली केबल जो आती थी उन वाले थे BSNL के ब्रॉडबैंड। लेकिन जो अभी चल रहे हैं फिलहाल वो चल रहे हैं फाइबर ऑप्टिक्स वाले, जैसे जियो का जियो फाइबर और एयरटेल का एयरटेल फाइबर, ऐसे करके आ रहे हैं। जियो BSNL का भी आ रहा है, तो BSNL फाइबर करके तो जो होते हैं उनमें स्पीड काफी ज्यादा होती है अगर आप देखें इनके मुकाबले। और प्राइस की बात करें ना, तो प्राइस जो है ये जो है वो 2000-2500 के आराम से मिल जाते हैं 4G डोंगल। लेकिन हम बात करें ब्रॉडबैंड की, तो ब्रॉडबैंड अगर आप लगवा रहे हो कोई सा भी, चाहे वो कोई सी लाइन में हो, ऑप्टिकल फाइबर में हो, कैसा भी हो, उसमें आपको क्या होगा कि जो आपकी केबल आएगी आपके पोल से या जहाँ से भी केबल आ रही है उसकी, उसमें आपको एक तो आपके टेलीफोन लगवाना पड़ेगा, वो आपके ऊपर लगवाओ या मत लगवाओ, लेकिन आपको एक वो चाहिएगा राउटर चाहिएगा, आपके मॉडम चाहिएगा, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चा हो जाता है, 5000-6000 का खर्चा हो जाता है एक बार लगवाने में, 3000-4000 जितने का भी अगर आपका सेटअप है उस हिसाब से। तो ये चीज़ जो है वो इसमें सस्ती है, ये आप लगवा लिया और उसके बाद फिर ये सस्ता भी है, आपको जो प्लान है उसके हिसाब से कॉस्ट जाती है। लेकिन वही बात करें हम ब्रॉडबैंड की, तो उसमें आपके महीने का 1000-600-800 जो भी आपका प्लान है उस हिसाब से जाएगा। लेकिन स्पीड की बात है तो कॉन्फ्यूजन क्या निकलता है कि हम डोंगल खरीदें या फिर लगवाएं ब्रॉडबैंड। देखो मेरी सलाह है, अगर आप ट्रैवल करते हो, घर पर नहीं रहते, बाहर कहीं जाते हो, आपका स्मार्टफोन नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप वाईफाई हॉटस्पॉट ले सकते हो या फिर आप इसे ले सकते हो। इसी की मैं कम रिकमेंड करूँगा, आप वाईफाई हॉटस्पॉट ले सकते हो, वो काफ़ी अच्छा है, उसमें आपको स्पीड मिल जाएगी और आपकी जो बैटरी है उसमें इन्वेंट मिलेगी, आपको जहाँ भी चाहे आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप घर रहते हो तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ब्रॉडबैंड लगवाएं, ब्रॉडबैंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि आपको स्पीड भी अच्छी मिलेगी। जैसे जियो का है, जियो को 400 रुपये में आपको अच्छी खासी स्पीड में ब्रॉडबैंड मिल जाता है, जैसे कि आप यूज कर सकते हैं 30 MBPS, मतलब आपके 3.75 MB/s कितना भी घूमो, कितना नहीं मतलब 3300 GB तक घूम सकते हो आप, 3300 के बाद लिमिट है आपकी 1 MBPS रहेगी स्पीड। लेकिन 3300 GB बहुत होता है यार, जितने मतलब आदमी 3300 GB घूम रहा है इसका मतलब वो बहुत ज़्यादा काम करता है, और उसके लिए अगर वो प्लान नहीं लेगा, वो उससे ऊपर वाला प्लान लेगा जो हाइयर प्लान होगा जिसमें ज़्यादा स्पीड होगी, जाहिर सी बात है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आप जियो का ट्रायल ले सकते हैं, 30 दिनों का ट्रायल चल रहा है उनका फ्री में, अगर आप पसंद करते हैं तो रख सकते हैं, पसंद नहीं है तो उसे हटवा सकते हैं। बाकी
ये आप समझ गए होंगे कि डॉगल लेना चाहिए या फिर वाईफाई लेना चाहिए या फिर ब्रॉडबैंड लेना चाहिए। तो अगर आप ट्रैवल करते हो तो डॉगल लीजिए, ट्रैवल नहीं करते हो तो ब्रॉडबैंड लगवाइए घर पे, उसमें आपको बहुत फायदे मिल जाते हैं, कॉल भी मिल जाएंगी, आपको इंटरनेट स्पीड मिल जाएगी, काफी फायदे मिल जाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो पसंद नहीं आई डिसलाइक मार दीजिए। लेकिन अगर वीडियो पसंद आ रही है और चैनल पसंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग और घंटी बजाइए, जिससे क्या होगा कि हम जब भी कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपके पास आएगा नोटिफिकेशन और आप हमारी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमारी वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हमने समझा लिया आप लोगों को, अगर आप भी आपको कोई डाउट रह गया है, कोई क्वेरी रह गई है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो आज वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद, जय भारत।